नमस्कार, मैं राघव जैन आपका स्वागत करता हूं आज चैम प्लस के खास बुलेटिन एक्सप्रेस प्लस में। क्या इस बार रावण दहन होगा, इस पर करेंगे बात, लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। भारत बार बार दिखा रहा है दरिया दिली, चीन की शह पर नेपाल भूला मित्रता, भारतीयों के लिए बंद किया पुल। जी हां, कोरोना संकट के कारण करीब 7 माह से बंद पड़े बॉर्डर को भारत सरकार ने खोल दिया, लेकिन नेपाल की ओली सरकार ने इसके लिए सहमति नहीं दी। महबूबा के बयान पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का पलटवार, कहा कश्मीर के कुछ नेता अवसरवाद की राजनीति करते हैं। लड़कों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 21 तो लड़की के लिए 18 क्यों, सुप्रीम कोर्ट में पहुंची याचिका। यह याचिका भारतीय जनता पार्टी नेता अश्विनी कुमार उपाध्यक्ष ने दायर की है, ताकि संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 की व्याख्याएं को लेकर लगातार बढ़ते मुकदमों की संख्या कम हो सके। संसदीय समिति ने फेसबुक में भारत में राजस्व, मुनाफा और टैक्स को लेकर दागे सवाल। जेपी नड्डा के किसान आंदोलन पर बयान से भड़के पंजाब के फार्मर लीडर और अकाली दल। बठिंडा में युवक लेटकर हेडफोन पर सुन रहा था गाना, गुस्साए बड़े भाई ने कर दी हत्या। आपको बता दें, एक युवक घर में चारपाई पर लेटकर हेडफोन लगाकर गाने सुन रहा था, इसी समय उसका बड़ा भाई वहां आया। छोटे भाई को इस तरह गाना सुनता देख उससे गुस्सा आया और उसने कुल्हाड़ी से उस पर वार कर दिया। लहूलुहान की हालत में युवक को उपचार के लिए बठिंडा के एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। व्यापारियों को राहत, पंजाब सरकार सी फार्म के केस सेटल करने को लगाएगी ओटीएस स्कीम। पंजाब के सीएम अमरिंदर का योगी सरकार पर निशाना, बीजेपी की दलित इंसाफ यात्रा पर उठाए सवाल। अमेरिका में कोरोना ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड, एक दिन में 80,000 नए केस मिलने से मचा हड़कंप। आंतरिक विद्रोह छिपाने को भारत के खिलाफ हमलों की फिराक में पाकिस्तान, आतंकी घुसपैठ के लिए तुर्की से ले रही है तकनीकी मदद। नोरा फतेह ने नाच मेरी रानी गाने पर किया धमाकेदार डांस, गुरु रंधावा बोले आग है आग। काजल अग्रवाल ने दिखाई अपनी सगाई की अंगूठी, वायरल हो रहा है वीडियो। अब नजर बड़ी खबर पर। प्रशासन की गाइडलाइंस और प्रदूषण के मद्देनजर शहर में इस बार कहीं भी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले को नहीं जलाया जाएगा, जबकि नकोदर, अलावलपुर और करतारपुर में दशानंद का दहन होगा। नकोदर के दशहरा मैदान में जगन्नाथ मंदिर कमेटी द्वारा 65 फीट का रावण का पुतला जलाया जाएगा, जबकि अलावलपुर में भी श्रीराम नाटक दशहरा क्लब संयुक्त रूप से सरकारी कन्या सीसी के स्कूल के पीछे मिश्रा फार्म में 30 फीट का रावण का पुतला जलाएगी। इसी तरह करतारपुर में श्री रामलीला कमेटी द्वारा बड़ा तालाब में रावण का 45 फीट का पुतला जलाया जाएगा। विजयदशमी पूर्व अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है, लेकिन इस बार असमंजस की स्थिति बनी रही है कि दशहरा 25 का है या फिर 26 को मनाया जाएगा। अब देखना होगा कि शहर में और भी जगह क्या रावण का पुतला जलाया जाता है या नहीं। ऐसी ही देश और दुनिया खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आज शाम प्लस।